नमस्कार दोस्तों, वेलकम आवर चैनल क्रिक 11 हब पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो पे आईसीसी मेंस वर्ल्ड का 2023 का एक और मैच एनालिसिस करेंगे, मैच नंबर 26 पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो फ्राइडे 27 अक्टूबर दोपहर 2 बजे MA चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई पे होने वाला है। उसी मैच के बारे में वीडियो पे बात करेंगे। भेरो स्टैट्स, हेड टू स्टैट्स, ईयर स्टैट्स, ओ स्टैट्स आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन हम लोग आपको स्टैट्स से निकाल के ड्रीम 11 पे स्मार्ट बनाएंगे। वीडियो पे प्रैक्टिकली बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच पे क्या क्या होगा, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो किसी भी पार्ट को मिस मत करिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो पे हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए पिच रिपोर्ट देखते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चेपॉक का पिच एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, जहां पे बैटर्स को बर्नर शॉट्स खेलने में कोई मदद नहीं मिलता है पिच से। बैट्समैन को बैट पे बॉल ठीक तरह से आती ही नहीं है। बॉलर के लिए बहुत कुछ है पिच पे, खासकर स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। सेकेंड इनिंग्स पे जब पिच थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तब जाके बैट्समैन थोड़ा बहुत खेल को एंजॉय करता है। पिच पे टर्न खत्म हो के थोड़ा बहुत बम्प्स दिखाई देता है, जिसमें खेल थोड़ा सा आसान दिखाई देता है बैट्समैन के लिए। टीमें जो है यहाँ पे चेस करना ज़्यादा पसंद करती है। पिच पे 200 से 250 के अंदर फास्ट इनिंग स्कोर बनना चाहिए। हेड टू हेड पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दो देश के बीच में ODI पे ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान 30 और साउथ अफ्रीका 51 मैच पे जीता है, तो ओवरऑल ODI रिकॉर्ड पे साउथ अफ्रीका आगे है। और बाद जब ODI वर्ल्ड कप की आता है, तो ODI वर्ल्ड कप पे 5 टाइम आमना सामना हुआ है दो देश, जिसमें साउथ अफ्रीका 3-2 से आगे है। और इस मैच पे ऐसे टीम भी साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। दो देश के लिए ही यह मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर पाकिस्तान के लिए। अगर लास्ट 4 में अपना उम्मीद बने रखना है, तो ये मैच जीतना उनके लिए बहुत ही जरूरी है। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका भी ये मैच जीत के टेबल में टॉप रह के लास्ट 4 में अपना जगह और मजबूत करना चाहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस मैच के लिए दो टीमों का क्या प्लेइंग 11 रह सकता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान इस मैच पे अपनी टीम में कुछ चेंजेस कर सकता है, तो रिसेंट परफॉर्मेंस उनका बहुत ही खराब चल रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक को हम लोग देखेंगे, उसके बाद वन डाउन पे बाबर आजम, फिर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, साउथ शकीन, इफ्तिकार अहमद, सैदाब खान। आबार अहमद को हम लोग इस मैच पे पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करते हुए ODI पे देख सकते हैं। उसके बाद साहिल अफरीदी, फिर हसन अली। अगर इस मैच पे ना खेले तो उनके जगह मोहम्मद वासिम जूनियर को पाकिस्तान मौका दे सकता है, क्योंकि हसन अली का फॉर्म थोड़ा सा अप एंड डाउन है, तो मोहम्मद वासिम जूनियर को पाकिस्तान इस मैच पे मौका दे सकता है। उसके बाद हरीश राव को हम लोग पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए देखेंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, तो साहिल अफरीदी, हरीश राव और उसके बाद हसन अली और मोहम्मद वासिम जूनियर में से जो भी खेलेगा वो पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत और डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए देखेंगे। उसके साथ साथ सैदाब खान और अबार अहमद, उसके साथ साथ इफ्तिकार अहमद भी इस मैच पे अच्छा खासा बॉलिंग करते हुए आपको देख सकते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग में साउथ अफ्रीका विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक और उसके साथ साउथ अफ्रीकन कप्तान तहमा बाहुमा। उसके बाद वन डाउन पे अरविंदर डासन, एंडे मार्कम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को जैक्सन, केसा महाराज, ग्लेट कॉटेज, कागिसो रबाडा और लिजैट विलियम्स और तैब्रास थामसी में से किसी को हम लोग इस मैच पे साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए देखेंगे। स्पिनिंग ट्रैक है, तो तैब्रास थामसी को साउथ अफ्रीका मौका दे सकता है। तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करें, तो मार्को जैक्सन और कागिसो रबाडा साउथ अफ्रीका की तरफ से शुरुआत में बॉलिंग करता है। उसके साथ साथ ग्लेट कॉटेज भी एक आध ओवर बॉलिंग करता है पावर प्ले में, और डेथ ओवर में ग्लेट कॉटेज, कागिसो रबाडा और मार्को जैक्सन एक आध ओवर बॉलिंग कर सकता है। अगर लिजात विलियम्सन खेलेगा तो लिजात विलियम्स 2-3 ओवर बॉलिंग कर सकता है डेथ ओवर में, और शुरुआत में भी बॉलिंग करता है। स्पिन डिपार्टमेंट को केसम महाराज संभालेगा, और अगर तेवरस थानसी अगर खेलेगा तो तेवरस थानसी 10 ओवर बॉलिंग करेगा, और उसके साथ साथ जरूरत पड़ने पे एडम मार्कम भी बॉलिंग कर सकता है। अगर पिच में बहुत ज़्यादा स्पिन दिखाई देगा तो एडम मार्कम को देखे भी साउथ अफ्रीका बॉलिंग करवा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी देख लेते हैं इस मैच के लिए आपके फैंटेसी टीम पे डिसेंट पिक क्या क्या रह सकता है। तो इस मैच पे हम लोग साउथ अफ्रीका को फेवरेट मानते हुए टीम बनाने का कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से जो अच्छा प्लेयर है और जो
मेन प्लेयर है उनको पिक करने का कोशिश किया है हम लोग। तो देख लेते हैं किसको किसको आप रख सकते हैं अपनी टीम में। तो अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करते हुए आएगा और बहुत ही लाजवाब फॉर्म पे चल रहा है, तो इनको आप चाहे तो अपनी टीम में ट्राई कर सकता है। उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, अगर पाकिस्तान को इस सिचुएशन के कोई प्लेयर निकाल सकता है तो वो ये दो मेन प्लेयर है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। इन दोनों को अच्छा करना होगा पाकिस्तान को अच्छा करने के लिए, तो इन दोनों को आप अपने टीम में पिक कर सकता है। उसके बाद बॉलिंग से साहिल अफरीदी बहुत ही लाजवाब बॉलर है, भले फॉर्म थोड़ा सा अप एंड डाउन है लेकिन आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकता है, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पिक होगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डीकॉक, अरविंदर डासन, एंडे मार्कम, हेनरी क्लासन, मार्को जैक्सन, कागिसो राबाडा, लेट कॉटेज को आप अपने टीम में साउथ अफ्रीका की तरफ से डिसेंट पिक में रह सकता है। तो क्विंटन डीकॉक साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करते हुए आएगा और विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट दिलाएगा, तो बहुत ही लाजवाब प्लेयर है और बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे भी चल रहा है, तो ये आपके मास्टर पिक आपके टीम में। उसके बाद अरविंदर डासन साउथ अफ्रीका की तरफ से वन डाउन पे बैटिंग करने आएगा, टेक्निकल बैट्समैन है, कभी भी अच्छा स्कोर बना सकता है, तो इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकता है। उसके बाद एडम मार्कम ये भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, और तो चेन्नई का पिच में इनको टीम में पिक करना कोई गलत बात नहीं होगा क्योंकि ये बॉलिंग भी कर सकता है जरूरत पड़ने पे, तो चेन्नई का पिच पे आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक होगा, आप इनको चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकता है। उसके बाद हेनरी क्लासन ये भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, कभी भी एक बहुत ही बढ़िया और हार्ड हिटिंग स्कोर बना के दे सकता है आपको, तो इनको आप टीम पे जरूर पिक करिए, बहुत ही लाजवाब फॉर्म पे भी चल रहा है। उसके बाद मार्को जैक्सन बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से आपको पॉइंट दिला सकता है, जरूरत पड़ने पे अच्छा खासा बैटिंग भी कर लेता है, और साउथ अफ्रीका की तरफ से शुरुआत में और डेथ ओवर में बॉलिंग करता है और विकेट भी अच्छा खासा मिलता है, विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है, तो इनको भी आप अपने टीम में पिक करिए। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन से कागिसो राबाडा और ग्लेट कॉटेज दोनों ही बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है और दोनों ही विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है, और शुरुआत में कागिसो राबाडा बॉलिंग करता है और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करता है, तो ग्लेट कॉटेज और कागिसो राबाडा आपके टीम पे बहुत ही बढ़िया पिक होगा। तो उसके बाद आपके फैंटास्टिक टीम पे डिसेंट कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको किसको बना सकते हो, तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की तरफ से विकेट कीपिंग करेगा और टू डाउन पे बैटिंग करने आएगा और बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे भी चल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा अगर पाकिस्तान की तरफ से आप किसी को कैप्टन बनाने का सोच रहा है तो। उसके बाद वाइस कैप्टन में बाबर आजम और साहिल अफरीदी को आप बना सकता है, बाबर आजम तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, किसी भी सूरत में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राई कर सकता है। उसके बाद साहिल अफरीदी अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा तब जाके साहिल अफरीदी को आप अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकता है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डीकॉक और मार्को जैक्सन को आप अपने टीम में कैप्टन माना सकता है, क्विंटन डीकॉक बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे चल रहा है, विकेट कीपिंग करेगा तो ये आपके टीम पे बहुत ही बढ़िया और फर्स्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद मार्को जैक्सन भी बहुत ही बढ़िया फॉर्म पे चल रहा है, आप चाहे तो इनको भी अपने टीम में कैप्टन बना सकता है। उसके बाद एडम मार्कम और हेनरी क्लासन को आप अपने टीम में वाइस कैप्टन बना सकता है, एडम मार्कम तो बहुत ही बढ़िया और डिसेंट ऑप्शन होगा आपके टीम पे क्योंकि बॉलिंग भी कर सकता है इस मैच पे, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, इनको आप चाहे तो अपने टीम में वाइस कैप्टन बना सकता है। हेनरी क्लासन थोड़ा सा रिक्सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि चेन्नई का पिच है, कितना बैटिंग कर पाएगा कोई भरोसा नहीं है क्योंकि कभी भी विकेट गिर सकता है, इतना स्पिन होता है यहाँ पे, अगर टिक गया तो एक बहुत ही बेहतरीन मैच इनिंग्स खेल के दे सकता है आपको, तब जाके आप इनको वाइस कैप्टन बना सकता है, ये पूरा पूरी आपके ऊपर रिक्स हो जाएगा, इनको आप चाहे तो बना सकता है। चलिए दोस्तों इस मैच पे आपके फैंटेसी टीम पे यूनिक पिक एंड जीएल कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको किसको बना सकता है, तो पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक, इफ्तिकार अहमद, तैदाब खान और हारिस राव को आप अपनी टीम में यूनिक पिक की तरह पिक करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकता है। इमामुल हक पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करते हुए आएगा, बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है लेकिन फॉर्म थोड़ा सा अप एंड डाउन है, लेकिन कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो इनके ऊपर आप जीएल पे ट्राई कर सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकता है, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा। उसके बाद इफ्तिकार अहमद और सैदाब खान लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, इसकी बदौलत ही पाकिस्तान थोड़ा बहुत रन बना पाया था लास्ट में, तो इनको आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकता है, जीएल पे अच्छा ऑप्शन होगा, स्पिन ट्रैक होगा तो विकेट निकाल सकता है ये दोनों ही, अच्छा खासा बॉलिंग करना चाहिए दोनों को, तो ये दोनों को आप अपने अपने जीएल पे ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद हारिस राव बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए,
विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाजी। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा तो आपके टीम पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा इनको, तब जाके आप जीएल पे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकता है अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है। उसके बाद अदर्फे की तरफ से तहमा बहुमा को आप ट्राई कर सकता है, चोट के बाद इस मैच में वापस ही कर सकता है, तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। टेक्निकल बैट्समैन है, एक तरफ से अपना इनिंग्स को एंकर करके आखिर तक ले जा सकता है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक होगा। अगर मान लीजिए ऐसे फॉर्म पे आप मान रहा है कि राजफिया की जो टॉप ऑर्डर और बाकी जो प्लेयर है वो जल्दी जल्दी आउट हो जाए, तब जाके तहमा बहुमा एक अच्छा इनिंग्स खेल के आपको दे सकता है, तब जाके इनको आप अपनी टीम में ट्राई करके कैप्टन बस कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद अरविंद डासन बहुत ही बढ़िया और टेक्निकल बैट्समैन है, अच्छा इनिंग्स खेलने का क्षमता रखता है, पिच भी इनके लिए एकदम सुटेबल है, ऐसे पिच पे ये बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेल के देता है आपको, तो इनके ऊपर आप ट्राई कर सकता है एक अच्छा इनिंग्स खेलने का, इनसे इस मैच में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद बॉलिंग से ग्लेट कॉटेज और कगिस ओराबड़ा, इन दोनों को आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा, खासकर अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रहा है तब जाके इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के छोड़ दीजिएगा आप टीम में, आपके लिए वो टीम बहुत ही बढ़िया हो सकता है। अगर कॉम्बिनेशन सही बैठ जाए तो आप जीएल भी जीत सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच की ड्रीम इलेवन टीम क्या होगा वो देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम पे सर्च करिए क्रिक इलेवन अब ऑफिशियल, हमारे चैनल दिखाई देगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम बहुत ही जरूरी है क्योंकि फाइनल अपडेट वहीं पे अपडेट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी टीम देख लेते हैं। इस मैच में हम लोग साउथ अफ्रीका को फेवरेट मानते हुए अपना टीम बनाएंगे। तो एक ही टीम सेक्शन से हमारे पास तीनों ऑप्शन है, क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन और मोहम्मद रिजवान, तीनों ही बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ से तीनों को ही पिक कर रहा है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन पे चलते हैं, तो बैटिंग सेक्शन पे बाबर आजम बहुत ही बढ़िया पिक है आपके लिए, तो बाबर आजम को भी पिक कर रहे हैं। उसके बाद अरविंद डासन, ये भी बहुत ही बढ़िया पिक है, वन डाउन पे बैटिंग करने आएगा साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो इनको भी हम लोग पिक कर रहे हैं। ए शफीक भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा। उसके बाद इमामुल हक को भी आप चाहे तो अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा। तहमा बहुमा भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जीएल पे अच्छा पिक होगा आपके लिए। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन पे हम लोग मार्को जैक्सन को पिक करा है, ए माकम को पिक करा है, सैदाब खान, इफ्तिकार अहमद भी अच्छा ऑप्शन होगा, आप चाहे तो इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन पे हम लोग कगिस ओराबड़ा को पिक करा है, सहंस अफरीदी को पाकिस्तान की तरफ से पिक करा है, दोनों ही आपके लिए मास्टर पिक। उसके बाद हारिस राव भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, अगर खासकर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा तो हारिस राव आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा। उसके बाद जी कॉटेज को हम लोग पिक कर रहे हैं और केशव महाराज को हम लोग साउथ अफ्रीका की तरफ से पिक कर रहे हैं। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इस मैच पे मार्को जैक्सन को कैप्टन मान रहा है और मोहम्मद रिजवान को फिलहाल के लिए वाइस कैप्टन मान रहा है। अब चाहे तो क्विंटन डिकॉक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इनके साथ आप जा सकता है, फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये रही हमारी अभी तक का टीम। अगर आपके हिसाब से कोई टीम में चेंजेस करना है तो हम लोगों को कमेंट करके बताइए क्या चेंजेस करना चाहिए हम लोगों को। तो आप अगर इतनी दूर आ गया है तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन टीम बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।